हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ललिता और स्वागत करती हूं आप सबका ललिता किचन हेल्थी एंड टेस्टी फूड में। फ्रेंड्स, आज मैं सर्दियों की खास रेसिपी गाजर का सूप लेकर के आई हूं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कैसे बनता है गाजर का सूप। ये मैं 5 गाजर ले ली हूं, वेट में 250 ग्राम गाजर होगा और एक कटी हुई प्याज है और 5-6 लहसुन की कलियाँ और एक हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। पहले गाजर का जो इधर का दोनों साइड का भाग होता है उसे कट करके निकाल दें। गाजर को मैं धो करके ले ली हूँ। और इसे छील लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे गाजर को मैं छील ली और एक प्रेशर कुकर ले ली हूँ। इसमें एक गाजर को डाल देंगे, 2 टुकड़े कर दें इससे। प्याज है उसे भी डालते हैं और अदरक लहसुन और मिर्ची और 2 कप पानी। इसे मैं गैस पर रख दूंगी और 2 सीटी आने तक इसे पकाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं 2 सीटी इसमें लगा ली गाजर में और गाजर थोड़ी ठंडी हो गई है। अब इसे निकाल देना है पानी से और मिक्सी जार ले ली हूँ, इसमें इसे डाल देना है और गाजर, प्याज, लहसुन, अदरक जो मैं ली हूँ इस सबका फाइन पेस्ट बनाना है। और फ्रेंड्स, इसका जो पानी है इस पानी को नहीं फेंकना है, इसी पानी में मैं सूप बनाऊँगी। इस पानी को रख देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसका मैं पेस्ट बना ली। अब चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं गैस की तरफ और देखते हैं कैसे बनता है गाजर का सूप। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस पे मैं कढ़ाई रख दी हूँ और कढ़ाई में जो गाजर बॉईल की थी उसका जो पानी था उसे डाल दी हूँ और उसी पानी में मैं सूप बनाऊँगी। और ये जो गाजर पीसे हुए इसमें मिला देती हूँ इसे। इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल करके और अच्छे से और मिला लें। जो भी इस जार में गाजर का पेस्ट लगा हुआ था फ्रेंड्स, उसमें देखिए मैं गुनगुना पानी मिला दी हूँ और मिला करके
उसे इसमें मिला दीजिए। और फ्रेंड्स वेट करती हूँ ये बॉईल आने का। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें बॉईल आ गई है। अब हमें इस स्टेज पे क्या करना है, ये देखिए फ्रेंड्स मैं काली मिर्च का पाउडर ले ली हूँ और इसे 1 टेबल स्पून इस पाउडर को इसमें मिला दीजिए। और ये भुना हुआ जीरा है 1 टेबल स्पून इसे भी डाल दीजिए। और फ्रेंड्स ये नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक को डालना है। सबको मिला दे अच्छे से। फ्रेंड्स अब हमारी फाइनली, ये देखिए फ्रेंड्स फाइनली हमारी गाजर का सूप बनकर तैयार है। अब गैस को ऑफ कर दीजिए। अब आइए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स गर्मा गर्म हमारी सूप बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी सूप बनी है, टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। फ्रेंड्स आप इसे मॉर्निंग में चाय पीते हैं उसके जगह पे आप अभी, मैं सजेस्ट करूँगी कि अभी आप लोग सर्दी का दिन है तो चाय पीजिए बेशक, बट आप इसे सुबह सुबह पीजिए खाली पेट गर्मा गर्म इस सूप को बना करके, क्योंकि ये सूप बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, हर किसी के लिए होता है और ख़ासकर सर्दियों के दिन में। और फ्रेंड्स ये हेल्दी और टेस्टी दोनों है, क्योंकि और इसमें मैं ना तो घी का प्रयोग की हूँ ना एक बूंद तेल का प्रयोग की हूँ। फ्रेंड्स इसे मैं बॉईल करके बनाई हूँ, आप लोग देखिए कि मैं कैसे बनाई और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं बताई हूँ आप लोगों को। और आप लोग इस सूप को एक बार बनाइए। और ये सूप जो होता है क्या करता है कि वेट लूज में भी बहुत ही काम आता है। और सुबह सुबह खाली पेट इसे पीजिए या इवनिंग के टाइम पीजिए, इसे बच्चे बड़े बूढ़े सारे लोग पीजिए, हर किसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत ही टेस्टी सूप बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स आप लोग, कुछ लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स की वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए, एक लाइक करने से क्या होता है हमारी मनोबल बढ़ जाती है फ्रेंड्स, और भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आने का मुझे इच्छा होता है अंदर से कि मैं आप लोगों के सामने अच्छे से अच्छे और हेल्दी और टेस्टी लेकर रेसिपी लेकर के आऊँ ताकि। और फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। और चैनल पे जो जो लोग न्यू है वो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं तो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और मैं इसी तरह का नई नई रेसिपी लेकर आप लोगों के सामने आती रहूँगी। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और बेल आइकन पे प्रेस करने के बाद ऑल पे भी प्रेस कर दीजिएगा, उससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।